Very good morning, students. I am your science teacher, and today I will teach you science of class 6. And today we continue chapter 6, changes around us. And today we will discuss part 2. Now see in the book. This is your science book, science of class 6. Open chapter number 6. This is the chapter number 6, changes around us. In part 1, we already discussed about the desirable and undesirable changes, fast and slow changes, and periodic and non-periodic changes. And today we will discuss about the physical and chemical changes. First we discuss about the physical change. You know which changes are called the physical change? A physical change is a temporary change in which no new substance is formed. बच्चों physical change एक temporary change होता है और इस changes में हमें कोई भी नया substance नहीं मिलता. For example, when we freeze water, it change into ice. जब हम water को freeze करते हैं तो ice में change हो जाता है. And again ice change into water. और आइस मेल्ट होकर अगेन हमें वाटर में वो चेंज हो जाती है. तो इधर सेफ स्टेट चेंज हो रही है बच्चों, हमें कोई नया सब्सटेंस नहीं मिल रहा है क्योंकि वाटर से आइस हो गया, आइस मेल्ट हो गया, फिर से हमें वाटर मिल गया. तो सेफ स्टेट चेंज यानी कि लिक्विड से सॉलिड हो गया, सॉलिड से लिक्विड, लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं मिला, वो वाटर का वाटर ही है. सो दिस इज कॉल्ड द फिजिकल चेंज. इसी तरह से एक अदर एग्जाम्पल है आयरन का. हमारे पास एक आयरन पीस है. व्हेन वी टेक आयरन पीस एंड दिस कन्वर्ट इनटू वायर. एक हमारे पास आयरन का पीस है, उसको हमने वायर में चेंज कर लिया. लेकिन बच्चों जो वायर है वो भी तो आयरन का ही है, यानी आयरन पीस भी आयरन का था और वायर भी आयरन का ही है. तो हमें कोई नया सब्सटेंस मिला? नहीं मिला, सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हो गई. यानी कि पीस से हमने वायर बना दिया और वायर से हम दोबारा पीस बना सकते हैं. सो दिस इज द फिजिकल चेंज. नाउ नेक्स्ट केमिकल चेंज. देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे आइस है, देखो मेल्ट होकर ये वाटर हो गई. तो ये सिर्फ स्टेट चेंज हुई है, कोई नई चीज हमें नहीं मिली है, इसलिए ये फिजिकल चेंज है. इसी तरह से देखो ये आयरन है, इसे वायर बना सकते हैं और वायर को मेल्ट करके हम दोबारा से आयरन बना सकते हैं. तो ये सिर्फ इसकी स्टेट चेंज हो रही है, कोई नया सब्सटेंस नहीं मिल रहा है. तो दिस इज द फिजिकल चेंज. हम पढ़ते हैं केमिकल चेंज. केमिकल चेंज बच्चों इसका अपोजिट होता है. फिजिकल केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज. केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज होता है. परमानेंट का मतलब है एक बार जब वो चेंज हो गया तो वो हमेशा के लिए चेंज हो जाता है, हम उसे फिर से ओरिजिनल पोजीशन में नहीं ला सकते. सो दिस इज द परमानेंट चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. और परमानेंट चेंज में हमें जो भी सब्सटेंस मिलता है वो एक नया सब्सटेंस मिलता है, न्यू सब्सटेंस मिलता है. एंड दीज चेंजेस आर इरिवर्सिबल. और इरिवर्सिबल का मतलब है हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, यानी कि दोबारा बैक हम उसकी पुरानी पोजीशन में उसको नहीं ला सकते. जैसे वाटर से हमने आइस कर दिया, फ्रिज हुआ तो आइस बन गया. अब आइस दोबारा से मेल्ट होकर अपनी पुरानी पोजीशन यानी कि वाटर में चेंज हो जाता है, यानी कि वो रिवर्स हो गया. लेकिन केमिकल चेंज में रिवर्स नहीं होता. सो दिस इज द इरिवर्सिबल चेंज. एंड प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस फॉर्म्ड आर डिफरेंट. और बच्चों जो नया सब्सटेंस मिलता है हमें चेंज होने के बाद, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो भी डिफरेंट ही होती हैं फ्रॉम द ओल्ड सब्सटेंस. यानी पुराना जो सब्सटेंस था चेंज होने से पहले उसकी प्रॉपर्टी अलग थी, अब चेंज होने के बाद एक हमें नई चीज मिल गई तो उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट हो गई. फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ पेपर. जैसे हम पेपर जलाते हैं तो जलाने से पेपर पहले क्या है, वो एक पेपर है. जब हम उसको जलाते हैं तो जलाने के बाद हमें बच्चों क्या मिलता है, ऐश यानी उसकी राख.
तो ये क्या हो गया, केमिकल चेंज। क्योंकि पेपर किस में चेंज हो गया बच्चों, जलने के बाद ऐश में यानी राख में चेंज हो गया। अब हम राख से क्या दोबारा हम पेपर बना सकते हैं, रिवर्स हम उसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राख से हम पेपर नहीं बना सकते, तो ये रिवर्स नहीं हो सकता। तो ये क्या है, मतलब एक बार चेंज हो गया राख, हम दोबारा पेपर नहीं बना सकते, तो ये क्या है, परमानेंट चेंज, यानी अब हम इसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते, तो ये परमानेंट चेंज है। हम इसको रिवर्स बैक नहीं कर सकते, तो ये रिवर्स भी नहीं होगा, यानी इरिवर्सिबल चेंज है। और देखिए पेपर की जो प्रॉपर्टीज थी वो अलग थी, अब राख बन गया, नया सब्सटेंस क्या है, राख। अब राख की जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल पेपर की प्रॉपर्टी से अलग होंगी। तो इस तरह से जो हमें नया सब्सटेंस मिलता है उसकी प्रॉपर्टी ओल्ड सब्सटेंस से डिफरेंट होती है, और ये परमानेंट चेंज होता है, क्योंकि एक बार चेंज होने के बाद ये दोबारा बैक नहीं होता। अदर एग्जांपल इज बर्निंग ऑफ कैंडल, यानी कैंडल देखो ये जल रही है कैंडल, जब हम कैंडल को जलाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, ये कैंडल शॉर्ट होती जाती है और फिर ये ख़त्म हो जाती है। तो कैंडल ख़त्म होने के बाद क्या आप उसको दोबारा से बड़ी कैंडल बना सकते हो? नहीं, क्योंकि एक बार वो जल गई तो वो जल गई, ख़त्म हो गई, यानी परमानेंट हो गया वो चेंज। और जलने के बाद हम उसको दोबारा से नई कैंडल में बना सकते हैं? नहीं बना सकते, यानी रिवर्स नहीं कर सकते, तो ये इरिवर्सिबल चेंज हो गया। और जलने से पहले पूरी नई कैंडल थी, अब जल के वो ख़त्म हो गई, तो प्रॉपर्टी उसकी दूसरी है। तो इस तरह से क्या है, ये केमिकल चेंज। इसी तरह से बर्निंग ऑफ क्लोथ्स, देखो यहाँ पे ये कपड़े जलाए हुए दिखाई दे रहे हैं आपको जलते हुए, तो जलने से पहले क्लोथ है, जब हम उसको जला देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, कपड़े जलकर किस में चेंज हो जाएंगे, राख में, ऐश में। तो जो क्लोथ थे वो राख में चेंज हो गए। अब क्या राख से हम दोबारा क्लोथ बना सकते हैं? नहीं बना सकते, यानी वो चेंज जो हुआ है वो परमानेंट हो गया। अब आप कहोगे अरे नहीं, मेरे तो बहुत अच्छी ड्रेस थी, मुझे तो मेरी ड्रेस फिर से ला कर दो, तो हम कहेंगे भाई अब तो परमानेंट चेंज हो गया, अब हम उसे दोबारा चेंज नहीं कर सकते। तो ये क्या है, परमानेंट चेंज, हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते, बैक फिर से हम क्लोथ्स नहीं बना सकते, तो वो इरिवर्सिबल चेंज हो गया। और देखिए जो क्लोथ था उसकी प्रॉपर्टीज अलग थी, अब जो हमें जलने के बाद क्या मिला है, राख, तो उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। तो दोनों की प्रॉपर्टी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई, न्यू सब्सटेंस की और ओल्ड सब्सटेंस की। तो इस तरह से ये कौन सा चेंज हुआ, केमिकल चेंज। इसी तरह से टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क, देखो दूध से कर्ड बनाते हैं हम, मिल्क से कर्ड बनाते हैं। पहले क्या था, मिल्क, मिल्क किस में चेंज हो गया, कर्ड में चेंज हो गया। अब जो कर्ड है वो मिल्क से बिल्कुल एक नई चीज मिल गई हमें, पहले मिल्क था अब कर्ड है, तो एक नया सब्सटेंस मिल गया। और अब क्या हम कर्ड से दोबारा मिल्क बना सकते हैं? नहीं भाई, अब तो चेंज हो गया, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो ये परमानेंट चेंज हो गया, और हम उसको बैक भी नहीं कर सकते, यानी कि फिर से मिल्क नहीं बना सकते, तो ये इरिवर्सिबल चेंज है। अब देखिए मिल्क की प्रॉपर्टी क्या है, अलग है। मिल्क क्या होता है, मीठा मीठा होता है ना, और जो कर्ड है उसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, सोर होता है। तो दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है। मिल्क पतला होता है और जो कर्ड है वो गाढ़ा हो जाता है, तो प्रॉपर्टी क्या है दोनों की, डिफरेंट है। तो इस तरह मिल्क से जो कर्ड है चेंज हो रहा है वो क्या हो गया, केमिकल चेंज। तो इसलिए जो केमिकल चेंज होते हैं बच्चों वो एक परमानेंट चेंज होते हैं। जब उसमें चेंज होते हैं तो हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है जिसकी प्रॉपर्टी ओल्ड सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट होती है, और हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते, सो दिस इज कॉल्ड द इरिवर्सिबल चेंज। अब देखिए डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पर बच्चों, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस क्या है।
देखिए नो न्यू सब्सटेंसेस फाउंड, फिजिकल चेंज में हमें कोई नया सब्सटेंस नहीं मिलता, लेकिन केमिकल सब्सटेंस चेंजेस में न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, एक नई चीज़ मिलती है। नो चेंज इन कंपोजिशन, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई चेंज नहीं होता, चेंज इन कंपोजिशन में प्रॉपर्टी में चेंज हो जाता है। इट इज़ अ टेम्परेरी चेंज, ये थोड़े टाइम के लिए चेंज होता है। इट इज़ अ परमानेंट चेंज, केमिकल एक बार चेंज हो गया तो वो परमानेंट हो गया, तो दिस इज द परमानेंट चेंज। ये इसको हम बैक कर सकते हैं, जैसे आइस से हम वाटर बना सकते हैं दोबारा, तो ये रिवर्सिबल चेंज है, इसमें हम बैक नहीं कर सकते, सो दिस इज इरिवर्सिबल चेंज। अब देखिए रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज, अ चेंज विच कैन बी रिवर्स, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि जिस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि बैक कर सकते हैं, बैक पोजीशन में हम आ सकते हैं, तो उसे हम रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। जैसे देखिए सॉलिड वैक्स है, जब हम उसको हीट करते हैं तो वो लिक्विड वैक्स बन जाता है, जब हम उसको ठंडा करेंगे ऑन कूलिंग तो वो फिर से हमें सॉलिड वैक्स बन जाएगा, यानी कि सॉलिड से लिक्विड बन गया, लिक्विड से फिर सॉलिड पुरानी पोजीशन में आ गया, यानी कि बैक हो गया, तो ये हमारा रिवर्सिबल चेंज है। और चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स इज कॉल्ड द इरिवर्सिबल चेंज, यानी कि जो चेंज रिवर्स नहीं होते उन्हें हम इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। ओके अब जैसे देखिए एग्जांपल में सोरिंग ऑफ मिल्क, यानी मिल्क खट्टा हो जाता है। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर हम जलाते हैं तो राख से हम पेपर नहीं बना सकते, बैक नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते, तो ये हमारे इरिवर्सिबल चेंजेस के एग्जांपल हैं। तो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।